हरियाणा के कई जिलों में अब स्वास्थ्य विभाग ने 100% कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा कर लिया है, तो सोनीपत जिले में 94% जनता को ही वैक्सीन की पहली डोज लगी है, तो 59% जनता को दूसरी डोज लगी है। लेकिन जैसे ही सरकार ने 1 जनवरी से बिना वैक्सीनेशन के सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री के आदेशों के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन में कोरोना को रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है। निजी व सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो ऑक्सीजन प्लांटों में भी इजाफा किया जा रहा है। सोनीपत शहर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर सरकार की 1 तारीख से बिना वैक्सीन के सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बैन के आदेशों के बाद सभी वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सोनीपत पुरानी अनाज मंडी में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर लंबी लंबी लाइनों में लोग लगकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं वैक्सीन सेंटर पर तैनात समाज सेवी अनिल गुप्ता ने बताया कि वह लगातार 1 साल से इसी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं और सरकार की घोषणा के बाद वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है। रोजाना 700 से 800 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जिनमें फर्स्ट डोज के 300 और सेकंड डोज के 500 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये हमारा सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा 18 मार्च 2021 से वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। उस दौरान लगभग 4 महीने के करीब तो काफ़ी भीड़ रही कैंपों में। उसके बाद कैंपों में गैप आ गया था, वैक्सीन लगभग 200 के करीब लगनी चालू हुई थी, पर जब से प्रशासन ने और सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बैंकों में जाने से पाबंदी लगाई है, तो हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ हो रही है। डेली के लगभग 800 के करीब वैक्सीन लग रही हैं, जिसमें 300 के करीब पहली और लगभग 500 के करीब सेकंड डोज पहली लगवा के दूसरी लोगों ने लगवाई नहीं थी। जी, पहली वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों ने अपने घर पर बैठ गए थे, सेकंड वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, पर अब लोगों में उत्साह है, सेकंड वैक्सीनेशन के लिए कैंपों में आ रहे हैं, भारी रस है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी देते हुए चीफ मेडिकल अफसर जय कुमार किशोर ने बताया कि सोनीपत में अभी तक पहली डोज 94% को तो 59% को दूसरी डोज लग चुकी है। सोनीपत के सरकारी अस्पतालों में 700 के लगभग व्यस्क व 250 बुजुर्गों के लिए बेड है, तो निजी अस्पताल में भी बेड बढ़ाए गए हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और 3रा प्लांट लगाया जा रहा है। 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बिना वैक्सीन के नहीं होगी। ओमिक्रॉन कहें या फिर थर्ड वेव कहेंगे, इसके लिए हमारे पास सफिशियंट मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड बेड 725 हमारी सरकारी संस्थाओं में एडल्ट्स के लिए हैं और 250 पीडियाट्रिक बेड हैं। और इसी तरह पीडियाट्रिक संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं में देखें तो 825 एडल्ट्स और 275 पीडियाट्रिक बेड उपलब्ध हैं। सर, जो ऑक्सीजन की बात करें, पहले से अभी कुछ बढ़ाया गया उसको? जी हाँ, ऑक्सीजन के लिए हमारे 3 ऑक्सीजन प्लांट तो मेडिकल कॉलेज में लगे हुए हैं, हमारे 1 चालू है और दूसरा इंस्टॉल किया जा रहा है, तो इसमें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन हमें उपलब्ध होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, जो दोनों जिस उन्होंने डोज ले ली हो वैक्सीनेशन की, अब उनको ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाउड किया जा रहा है 1 तारीख से, उसको लेकर किस तरह की जो स्थिति है वो अब सोनीपत जिले में देखने को मिली? हाँ, देखो, सरकार की हिदायत आई है कि 1 जनवरी के बाद कोई भी जिसको सेकंड डोज नहीं लगी उसको सार्वजनिक स्थानों पे जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, और इन आदेशों के बाद लोग उमड़ रहे हैं हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे अपनी सेकंड डोज लगवाने के लिए, तो उम्मीद है कि 31 तक सारे अपनी सेकंड डोज लगवा लेंगे।